सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और सब मज़े में होंगे। तो आइए यारों, शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर किसी भी मोबाइल का आपको FRP लॉक तोड़ना है, उसको अनलॉक करना है, गूगल लॉक को बाईपास करना है, तो बस ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को जाना है मोबाइल के ब्राउज़र के अंदर। किसी भी तरह से जाओ, कैसी भी जाओ, अगर आप लोग एक बार मोबाइल के ब्राउज़र के अंदर पहुंच गए तो आप लोगों का काम पूरा हो जाएगा। मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूं, तो गेट स्टार्टेड पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर आता है सेटअप एज न्यू डिवाइस। तो यहाँ पर अब नेटवर्क आप लोगों को कनेक्ट करना है। सिम है डाली हो तो अच्छी बात है, वरना वाईफाई से कनेक्शन कर लेना है। तो मैं LV5 से कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे इसका मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और मैं इस नेटवर्क को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो पासवर्ड मैंने डाला ASDFT121, तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको नेक्स्ट करना है और थोड़ा ये चेकिंग नेटवर्क सॉफ्टवेयर अपडेट इन्फो, चेकिंग इन्फो वगैरह आएगा, उसमें टाइम लगेगा, तो उसको करना है, आगे नेक्स्ट चलते जाना है। तो यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट चेकिंग फॉर अपडेट्स आ चुका है और इसके बाद क्या आएगा देखते हैं अभी। तो यहाँ पे फिर आ गया चेकिंग इन्फो। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये हमारे सामने आता है दिस डिवाइस वाज रीसेट टू कंटिन्यू साइन इन विद ए गूगल अकाउंट डेट वाज प्रीवियसली सिंक्ड इन ऑन दिस वे। अब आपको सबसे बैक जाना है, सबसे पहले जहाँ पर हम थे, क्योंकि हमारा नेटवर्क कनेक्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा विजन सेटिंग, उस पर क्लिक करना है। ये वहाँ अगर आप लोगों के पास दूसरा मोबाइल है तो कुछ भी वहाँ पे आएगा, वहाँ पे टॉक बैक आपको ऑन करना है। तो विजन सेटिंग में जाने के बाद मैंने टॉक बैक पे क्लिक किया और ये जो ऑफ है इसको मैंने ऑन किया। तो यहाँ से मैं क्लिक करके इसको ऑन कर देता हूँ और ओके पे क्लिक किया तो ये ऑन हो चुका है। तो अब यहाँ पर ये ऑन होने के बाद यहाँ पर आप लोगों को L बनाना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए मैं किस तरह से L बनाता हूँ। यहाँ पे L बनाओगे तो आप लोगों को फिर यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आएगा, तो टॉक बैक सेटिंग के अंदर जाना है। डबल क्लिक किया मैंने, सेटिंग में गए और फिर स्क्रॉल डाउन करना है 2 फिंगर से और फिर जाना आप लोगों को हेल्प एंड फीडबैक में। इसके जो बटन वो कैसे डिसेबल करेंगे टॉक बैक को, तो ये आप देखिए यहाँ पे सैमसंग में तो ऐसा होता है कि कोई भी बटन होता है, वो एक बीच वाला बटन होता है, उसको हम 3 बार दबाते हैं तो वो हो जाता है। तो यहाँ पे फिर से L बनाना है आप लोगों को और पुश फीडबैक पे क्लिक करना है। पुश फीडबैक पे क्लिक करोगे तो आपका फीडबैक पूरा ऑफ नहीं होगा, फीडबैक पूरा ऑफ नहीं होगा, लेकिन पुश हो जाएगा तो आप लोगों का काम आसानी से चल सकता है। तो अब ये देखिए फीडबैक ऑफ हो चुका है। तो यहाँ पर अब क्लिक करना है गेट स्टार्टेड विद वॉइस एक्सेस, इस पर क्लिक करना है। नेटवर्क ध्यान रखना, कनेक्शन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये देखिए बस इस पर क्लिक करना है और फिर जो चलेगा वीडियो, वीडियो के टाइटल पे आप लोगों को क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आप चले जाओगे YouTube के एप्लीकेशन में। YouTube के एप्लीकेशन में जाने के बाद आप लोगों को वहाँ पे YouTube के एप्लीकेशन में जाने के बाद जो वीडियो चल रहा है उसको तो हमें हटा देना है, तो इसको मैं हटा देता हूँ स्वाइप करके। और फिर यहाँ पर जो आइकन दिख रहा है साइन इन का, उस पर क्लिक करना है और फिर नीचे आ रहा है टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ब्राउज़र का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लोग कोई सा भी ब्राउज़र चूज कर लीजिए, मैं सिंपली UC ब्राउज़र को चूज़ करूँगा क्योंकि हमें डाउनलोड भी करना है। तो ऐसा ब्राउज़र चूज़ कर लीजिए जिसमें हम डाउनलोड्स और कंट्रोल्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमने चूज़ किया, तो यहाँ पर ये UC ब्राउज़र ओपन हो रहा है, इसको ये कुछ एलो कर रहा है तो इसको एलो कर देना है। और फिर वहाँ पर आप लोगों को URL डालना है, URL और सर्च में जाना है और सर्च करना आप लोगों को Apex लॉन्चर। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ Apex लॉन्चर, आप कोई सा भी लॉन्चर सर्च कर लीजिए। और हाँ, आप लोग मेमोरी में डाल के भी आ सकते हो, वो जो APK से बता रहा हूँ। तो Apex लॉन्चर मैंने सर्च किया यहाँ पे, तो सबसे ऊपर जो लिंक आएगा अप टू डाउन का, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि ये इतना आसान है डाउनलोड करना, सिर्फ 1 क्लिक में डाउनलोड हो जाएगा और दूसरी वेबसाइट्स में अच्छा नहीं लगता मेरे को। तो यहाँ पर सर्च किया, लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करके लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं और थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि नेटवर्क थोड़ा स्लो है। तो अब डाउनलोड पे क्लिक कर दिया और डाउनलोडिंग स्टार्टेड हो चुका है, देख सकते हैं नीचे आ चुका है। अब हमें ये तो हो गया, इसको डाउनलोड चलने देते हैं।
इसके साथ ही एक एप्लीकेशन को और डाउनलोड करना है जो मैंने अपनी वेबसाइट पर डाली है, तो आप लोगों को यहाँ पर सर्च करना है एलवी ज्ञान, और एलवी ज्ञान लिखने के बाद आप लोगों को सर्च पे क्लिक कर देना है, और सर्च होने के बाद आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आएगा lvgyan.com, ये मेरी वेबसाइट है। तो यहाँ पे मैंने वो एप्लीकेशन डाल दिया है ताकि आप लोगों को आसानी हो, जगह जगह भटकना ना पड़े। तो यहाँ पर मैंने दो लेबल डाल रखे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग FRP लॉक बाईपास APK, इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आ रहा क्लिक हेयर टू डाउनलोड, मैंने डायरेक्ट लिंक दिया है, कोई बीच में एड वगैरह नहीं आएंगे, बस क्लिक हेयर टू डाउनलोड पे क्लिक करना है और फिर डाउनलोड पे क्लिक करना है। क्या हुआ, फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो पूरे नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा, तो यहाँ पे ये आ चुका है, मैंने फाइल शेयर से इसको शेयर किया है मीडिया फाइल से, तो यहाँ पे इसको 28 MB का है, तो इसको डाउनलोड कर लेना है, और ये देखिए मैंने डाउनलोड्स डाल दिया है। तो यहाँ पे ये टेक्नो के APK डाउनलोडिंग हो रहा है, और नीचे देख सकते हैं आप लोग वो APK डाउनलोड हो चुका है अपेक्स लॉन्चर का। तो ये दोनों डाउनलोड होने के बाद आप लोगों को सबसे पहले इंस्टॉल करना है अपेक्स लॉन्चर को, तो मैं सिंपली अपेक्स लॉन्चर पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। पहले हम इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो अननोन सोर्सेज को हमें जाके इनेबल करना होगा, तो यहाँ से मैं इसको इनेबल कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो ये हो चुका है इनेबल। अब थोड़ा बैक बटन दबाना है, तो फिर से हम जाएंगे UC ब्राउज़र में आ जाएंगे, क्योंकि पहले वहीं थे, तो अब डाउनलोड्स में जाना है और वहाँ पे हमें फिर से इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि अभी तक हमने इंस्टॉल नहीं किया। तो ये अपेक्स लॉन्चर इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉलिंग, और थोड़ा वेट कीजिए। तो यहाँ पे इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है, इसको ओपन करते ही हम अपने मोबाइल में आ जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं हम हर चीज़ एक्सेस करते हैं, लेकिन जैसे ही हम बैक लेंगे ना तो वहाँ वहीं पे चले जाएंगे जहाँ पे अकाउंट है। तो यहाँ पे हमको सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद सबसे नीचे आप लोगों को जाना है जहाँ पर आप लोगों को मिले सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। आप लोगों को यहाँ पर आने के बाद डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर पर जाना है, और वहाँ से आप लोगों को एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर है उसको डिसेबल करना है, तो इसको एंटिक कर देते हैं हम। यहाँ पे देखते हैं डीएक्टिव दिस डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने अनचेक कर दिया, ये डिसेबल हो चुका है। अब इसके बाद जाना है हमें ऐप्स के अंदर, क्योंकि जब तक हम इसको डिसेबल नहीं करेंगे तब तक हम गूगल प्ले सर्विसेज को डिसेबल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखते हैं ऐप्स में आने के बाद गूगल प्ले सर्विसेज कहाँ पर है, तो गूगल प्ले सर्विसेज ये रहा, इसको मैं ओपन करता हूँ क्लिक करके, और इसको मैं कर देता हूँ डिसेबल, तो ये कर दिया डिसेबल। अब इसको डिसेबल करने के बाद आप लोगों को बैक जाना है, वहाँ पे चला जाना है जहाँ पे लॉन्चर का इंटरफेस आता है, तो यहाँ पे जो आपने साथ में टेक्नो के APK इंस्टॉल की थी, डाउनलोड की थी, उसमें जाना है और उसको इंस्टॉल करना है। तो मैं फाइल्स में जाता हूँ, और यहाँ पर APK ये रही, तो इसमें देख सकते हैं नीचे ऐप अनइंस्टॉल्ड है, तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये इंस्टॉल होने के बाद इसको ओपन करना है एक बार, फिर बैक ले लेना है। तो एक बार मैंने ओपन किया, अब बैक ले लेते हैं। अब फिर से जाते हैं हम सेटिंग के अंदर, तो यहाँ से हम सेटिंग के अंदर जाएंगे, और सेटिंग के अंदर जाने के बाद हम लोगों को जाना है अकाउंट्स के अंदर, तो यहाँ पे जाना है हमें अकाउंट्स में, और ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है, क्योंकि अभी कोई भी अकाउंट ऐड नहीं है। फिर गूगल पे क्लिक करना है, और गूगल का आप अकाउंट ऐड कर लीजिए आप लोगों को जो भी अकाउंट याद है सही तरीके से, आप लोग यहाँ पर नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कुछ भी, हाँ, तो फिर नेक्स्ट किया मैंने, और इसका मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे को याद है ये अकाउंट जो पहले अकाउंट था वो याद नहीं है। तो इस तरह से आप लोगों को FRP लॉक को अनलॉक करना है। तो पासवर्ड और ईमेल आईडी डालने के बाद, पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पर देख सकते हैं हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये अकाउंट हमने ऐड कर लिया है इसमें। अब ये अकाउंट पूरा यहाँ पे देख सकते हैं गूगल का अकाउंट्स में गूगल ऐड हो चुका, तो क्या मतलब गूगल का अकाउंट ऐड हुआ है। अब हमें जाना है फिर से ऐप्स के अंदर, और वहाँ पे हमने जो गूगल प्ले सर्विसेज को डिसेबल किया था उसको हमें जाके इनेबल करना है। तो कहाँ पर है गूगल प्ले सर्विसेज, ये रहा गूगल प्ले सर्विसेज, और इसको कर देते हैं इनेबल। तो इसको हमने इनेबल करने के बाद डायरेक्ट अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर देना है। मैं इसको रीबूट या रीस्टार्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस हो रहा है। अब आपका मोबाइल पूरी तरीके से हो चुका है, आप वीडियो छोड़ के जा भी सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को पूरा मोबाइल फिर भी आप लोग चाहो तो देख सकते हो। फिर यहाँ पे देखिए जो हमने टॉकबैक इनेबल किया था, सिर्फ पूछ किया था वो इनेबल्ड है, तो हमें पहले टॉकबैक को डिसेबल करना होता है। तो मैं यहाँ पर टॉकबैक को डिसेबल कर लेता हूँ,
यहाँ पे टॉक बैक, और इसको मैं ऑफ़ कर लेता हूँ, ऑन है अभी, यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये टॉक बैक हो गया ऑफ, फिर बैक लेते हैं और यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सेटअप एज न्यू डिवाइस, इस पर क्लिक, नेटवर्क कनेक्शन होना चाहिए, जो पहले हमने कनेक्ट किया तो वो अभी भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट, यहाँ पे देखिए अकाउंट एडेड, जो मैंने अभी अकाउंट ऐड किया था गूगल प्ले सर्विसेज को डिसेबल करके, दूसरा इंस्टॉल करके, तो यहाँ पे अकाउंट ऐड हो चुका है। तो अब करना है नेक्स्ट पे क्लिक, और यहाँ पे फिर देखिए जस्ट ए सेकंड आप लोगों को रुकना है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पैटर्न पिन, अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, अगर फिर नोट नो पे क्लिक करना है और स्किप एनी वे पे क्लिक करना है, और फिर आप लोगों को सेटअप लेटर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए एपेक्स लंच अभी भी इंस्टॉल्ड है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ मोबाइल को रीस्टार्ट किया, तो यहाँ पे हम जो लंचर है खुद का मोबाइल को उस पर ही क्लिक करके ऑलवेज कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का पूरा मोबाइल अनलॉक हो चुका है, अब आपका मोबाइल एकदम सही तरीके से उसका FRP लॉक जा चुका है। तो यहाँ पे इनको एलो एलो कर देना, हर मोबाइल में ऐसा नहीं आता है, कोई कोई मोबाइल होते हैं तो उनमें ऐसा आता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं एपेक्स लंचर और गूगल प्ले सर्विसेज आ चुके हैं, इन दोनों को हमें अनइंस्टॉल कर देना है। ये गूगल प्ले सर्विसेज वही APK है जो हमने इंस्टॉल किया था ऊपर से, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जब इस तरह से मोबाइल रिस्टार्ट होने के बाद आप लोगों के सामने ऊपर इस तरह आएगा, ये क्रैश क्रैश मतलब टेक्नो केयर APK हैज क्रैश्ड, तो ये क्रैश हो चुका है गूगल प्ले सर्विसेज। तो ये देखिए अब इन दोनों को, इस लंचर को और गूगल प्ले सर्विसेज के APK को अनइंस्टॉल करना है। टेक्नो के ट्रिक्स APK है, तो इसको अनइंस्टॉल कर देना आपको दोनों को, लंचर को चाहो तो कर दो वरना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इन दोनों को मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ, यहाँ पे भी इसको ओके करके अनइंस्टॉल कर देता हूँ। तो अब आपका मोबाइल पूरी तरह से सेटअप हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और भी कोई इससे रिलेटेड आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइए, मैं सॉल्यूशन ज़रूर कहूँगा कोशिश करके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।